ऑल राइट गाइज, सो इट्स संडे मॉर्निंग और अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट पेट पूजा कर रहा हूँ मैं, और अभी उठा हूँ तो थोड़ा कुछ खा पी के थोड़ा सा मतलब एनर्जी मिल जाए, उसके बाद देखते हैं कितना काम करना पड़ेगा मुझे आज गाड़ी पे। आज गाड़ी वॉश करनी है। तो सामान उठा लेते हैं अपना जो भी गाड़ी से रिलेटेड है, उसके बाद निकलते हैं। पहला स्टेप जो ये होगा कि ये जो माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ है ये मैंने स्पेशली मंगाया है अमेज़ॉन से, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे होता है कि स्क्रैचेस ना आए। इससे पूरा मैं गाड़ी को पहले एक बार एक साफ़ करूँगा, जो भी एक लेयर लगी हुई है डस्ट की वो पहले साफ़ होगी। इससे एक बार ये मेनली ऊपर ऊपर का डस्ट निकल जाए इससे, इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 गाइस हो गया इसको वॉश करना पानी से। वॉशिंग उसकी प्रोसेस ठीक ठाक था, और एक बार कपड़े से साफ करने के बाद पानी मार दिया है गाड़ी पर। जैसे कि स्टेप नंबर 2 हो जाए, अभी हम स्टेप नंबर 3 भी आएंगे कि मैं जिस कपड़े से मैंने गाड़ी को फर्स्ट स्टेप में साफ़ किया था उसको अच्छी तरीके से पानी से साफ़ करके कि उसमें कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी फिलिंग्स ना रह जाए जो गाड़ी के मतलब बॉडी पे स्क्रैचेस लेके आ सके। तो अभी मैं उसी कपड़े को धोऊंगा, उस पर थोड़ा सा शैम्पू अप्लाई करूंगा और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते करते गाड़ी को घिसता चला जाऊंगा, तो इससे झाग भी निकलेगी और गाड़ी साफ़ भी हो जाएगी। वैसे तो गाइस मेरे पास मैंने ऑर्डर किया था स्पेशली जो प्रोडक्ट आता है बाइक को वॉश करने के लिए, बट वो मुझे नहीं मिल पाया और डिलीवरी में डिले है। तो फ़िलहाल तो मैं शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। इन शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा वो उसकी हार्शनेस ज़्यादा होती है, वो बाइक के लिए सूटेबल नहीं है। बाइक के अलग से आते हैं डिटर्जेंट्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कि अभी हमने पिछले स्टेप में डिटर्जेंट वॉश किया, तो मैं थोड़ा सा पानी मारूंगा साफ़ पानी और गाड़ी को प्रॉपरली एकदम चमका दूंगा। तो इस स्टेप में गाड़ी को पूरा प्रॉपरली पानी मारा है दूसरी बार और गाड़ी अभी क्लीन हो गई है। ऑल राइट, तो अभी इस स्टेप में जैसे कि गाड़ी अभी गीली है तो मैं अभी इसको दूसरे कपड़े के साथ उसको मैं पूरा ड्राई करने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्टली ड्राई तो इतना नहीं हो पाएगा लाइक इंटरनली, तो पहले मैं बाहर से पॉसिबली जितना हो सकता है पूरी गाड़ी को ड्राई कर दूंगा। और एक बार जब गाड़ी बाहर की तरफ से ड्राई हो जाए इसको मैं थोड़ा बाहर की तरफ ले जाऊंगा। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से अभी गाड़ी दिख रही है। अभी मैं स्टार्ट करूँगा पॉलिश करना, और मैं ये जो आपको कार्बन पार्ट्स दिख रहे हैं ब्लैकिश पार्ट्स जो हैं यहाँ पे मैं पहले पॉलिश करूँगा। तो जो वो बस लिक्विड था इट्स स्पेशली फॉर कार्बन एंड डैशबोर्ड पार्ट्स, तो मैं थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन लेके हर जगह लगाऊंगा इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। और एक बार जब हर जगह थोड़ा थोड़ा मैं लगा दूँ, डैशबोर्ड पे, मड गार्ड्स पे, साइड पैनल्स पे, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे, हैंडल्स बार पे, तो एक बार जब हल्का हल्का सोल्यूशन आ जाए फिर आराम से बॉटल बंद करके प्रॉपरली इसको घिसूँगा। और यहाँ पे एक ही फंडा है कि जितना ज़्यादा मैं घिसूंगा उतनी ज़्यादा शाइनिंग आएगी। पर पहले तो मैं यहाँ पे स्पॉन्ज से एप्लीकेशन करूँगा, थोड़ा सा स्पॉन्ज से घिसूंगा फर्स्ट लेयर, उसके बाद सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, उसके बाद मैं फिर से एक बार घिसूंगा। तो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि बस कितना टाइम है। राइट नाउ द बाइक लुक्स। और
वी कैन से द सेकेंड लास्ट स्टेप, अभी मैं इस पे 3M का ग्लॉस पॉलिश लगाऊंगा जो मेटल टैंक्स पे लगेगा, ये पूरे जगह पे इंजन काउल और मड गार्ड्स और फ्रंट पैनल जितने भी रेड कलर के हैं वहाँ पे लगेंगे। और इसको लगाने का तरीका ऐसा है गाइस, थोड़ा सा अलग है, मैंने पिछली बार अलग ट्राई किया था, इस बार मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है लगाना और ये बहुत लाइट होते जा रहा है, मतलब बहुत ही विजिबल अभी नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने लगा दिया। तो जैसे आप इसको अप्लाई कर दोगे धीरे धीरे ये सूखता चला जाएगा और एक हल्का सा कह सकते हैं कि डस्ट फॉर्म में बनता चला जाएगा। तो ये मैंने टैंक पे लगाया है, ये मैंने पूरे इसके रेड पार्ट पे लगाया है, तो आप देख सकते हो कि गाड़ी का कलर बहुत ही डल सा हो गया है। तो ये मैं लगा के जहाँ जहाँ मैंने रेड पार्ट दिख रहे हैं वहाँ पर मैंने ये लगाया है, अपने हाथ से लगाया और छोड़ दिया है। ऑल राइट गाइस, सो अभी इसका ग्लॉस पार्ट्स पे जो पॉलिशिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, इसको अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे और फिर आके इसकी रगड़ा पट्टी करेंगे और इसको प्रॉपरली हम लोग शाइन देंगे। It's your birthday, we gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. तो बीच में हमारा खाने का ऑर्डर आ गया है, थैंक यू। थोड़ा सा इसके बाद सफाई करने के बाद खाएंगे आराम से बैठ के। तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा आप इसको आप घिसेंगे उतनी ज़्यादा शाइनिंग आएगी। तो फिलहाल तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ज़्यादा मुझे भी और नहीं करना है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो इस तरीके से गाड़ी आपको दिख रही है। सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, माई बाइक वॉश ऑन संडे, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।